हे वेलकम टू दिस चैनल माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ। अगर आप MBBS चाइना से कर रहे हैं तो ये बात आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि ये वार्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है कि नंबर वन, हम लोग जानते हैं कि 2021 18 नवंबर से नया रूल्स लागू किया गया है, जो कि स्टूडेंट बाहर से एब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं उसके लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट 23,000 स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया है, जो कि चाइना में है, आउट ऑफ इंडिया चाइना में है। और इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो मेडिकल एजुकेशन का ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात सबसे अच्छा से आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे MBBS कंप्लीट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वहाँ पे बोल दिया गया है कि क्योंकि चाइना पे बहुत सारा लोकल लैंग्वेज में भी आपका एजुकेशन होता है, तो वहाँ पे बोला गया है कि आपको जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात किया गया है कि आपका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इंडिया में तो हिंदी में भी शुरू किया गया है। एनीहाउ, अगर आप चाइना से कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन इंग्लिश में ही होना चाहिए, ये बात आप ध्यान से सुनिए। और उसी कंट्री में आपको मेडिकल लाइसेंस भी लेना होगा, और लेने के बाद आपको इंडिया में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है वो आपको फिलहाल देना होगा, और आगे शायद ये भी चेंज हो जाएगा और आपको नेक्स्ट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम हो सकता है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप अगर इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इंडिया में आके आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम हो या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम हो आपको क्वालिफाई करना होगा, अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि आगे आपको FMG या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आपका जो एजुकेशन का क्वालिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए, आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।